जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी, ओम शांति। अपना मन को समस्त मोर आंतरिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन अभियान के शुभारंभ पर मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के माननीय मंत्री मानव संसाधन कौशल विकास उद्यमिता सम्माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती दुकनी साहू जी, रंगाल के एमएलए श्री नौरी नायक जी, संबलपुर सब जोन निदेशक राजयोगिनी श्री बी के पार्वती जी, माउंट आबू के शिक्षा निकाय के उपाध्यक्ष राजयोगिनी बी के सोहली दीदी जी, निदेशक आर्ट गैलरी एवं जुरिस्ट संकाय के राष्ट्रीय संयोजक राजयोगी बी के नाथमाल जी, संबलपुर सब जोन के निदेशक राजयोगिनी बी के बीनी जी, माउंट आबू के निदेशक शिक्षा निकाय डॉक्टर बी के लीना जी। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव न्यू एडुकेशन फॉर न्यू इंडिया पर राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुभारंभ हो रहा है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विकसित भारत के लिए भारत के विराट लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है, और इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि बाय एडुकेशन आई मीन एंड राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का धर्म है। सदियों से यह देश आध्यात्मिकता, नैतिकता, एकता के आधार पर वसुधैव कुटुंब के महामंत्र से अभिमंत्रित होकर विश्व गुरु के रूप में औरों को प्रेरित करते भारत आ रहा है। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नई शिक्षा नीति लागू के दिशा में शिक्षा से जुड़े 25 से अधिक सेमिनार में शामिल हुए और देश के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षाविद के साथ भी संवाद किए। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों से संवाद किए। मोदी सरकार आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लागू की है। ये नीतियां बच्चों के सर्वांगीण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। शिक्षा के कौशल, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की यात्रा, खेल को नई पहचान, तकनीक शोषण के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में नए अवसरों में युवाओं को न केवल अपना बल्कि भारत को विकसित बनाने का भी सहयोगी बना दिया है। आज की युवा पीढ़ी नए भारत के लिए अमृत पीढ़ी है, जो आने वाले 25 वर्षों में जब देश की आजादी के 100 वर्ष हम मनाएंगे तो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर और भारत को विकसित भारत बनाएगी। नए भारत का
शिक्षा न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया, इस लक्ष्य पर कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भाई बहने दिन रात लगे हुए हैं। गांव, गली, शहर, बस्ती में जाकर जाति, धर्म और उम्र से आगे बढ़कर छोटे से बड़े तक सबको मूल्यविद की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग की शिक्षा से मनुष्य के अंदर छिपे दिव्य गुणों का विकास करा रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि श्रेष्ठ चिंतन ही श्रेष्ठ कर्म का नींव है। जिस कर्म से श्रेष्ठ समाज और विकसित राष्ट्र गठन होगा, जहां ना भ्रष्टाचार होगा, ना नशाखोरी होगा, ना बेरोजगारी रहेगी। हर शिक्षक बनेगा आदर्श शिक्षक, हर डॉक्टर बनेगा वफादार, हर कोई अपनी जीवन जीविका को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारे दिए हैं, एडुकेशन टू ऑल और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं मुदकंठ से कह सकता हूं कि अगर देश को विकास के शिखर पर ले जाना है तो प्रधानमंत्री के 5 मंत्र पर हमें खरा उतरना है। या 5 मंत्र है, विकसित भारत, गुलामी के हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना। बहुत खुशी की बात है कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए मेरे भाई बहन ये कार्य प्रारंभ से करते आ रहे हैं। जीवन के हर पल मानव कल्याण के लिए निछावर कर रहे हैं। बिखरों को जुटाया है, भटकों को राह दिखाया है, नाचीज को चीज बनाने में ब्रह्म कुमारी संस्थान जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में प्रेरणादायी है। आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर नैतिक मूलभूत की श्रीवृद्धि करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपने आप को खपा देने वाले मेरे भाई बहनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि नए भारत के लिए नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया का लक्ष्य पूरा करने में परमात्मा प्रदत्त प्रदान यह सफल रहेगा। धन्यवाद। ओम शांति। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।